हमारे मुल्क का एक इतना बड़ा असासा, हमारी लिविंग लेजेंड, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको पूरी दुनिया ने माना और इतना खूबसूरत पाया, इतना खूबसूरत पाया कि उनकी आवाज क्या होगी जितनी खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी है। और माशाल्लाह मैं गाना सीखने की बड़ी कोशिश करती हूँ इनसे, तो अब ये मुझे गाना भी कुछ कुछ बता रही है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। काश हमें अल्लाह ताला वो नजर दे के हम पहचान सकें कि हमारे असल असासे कौन हैं। सुरैया मुल्तानी घर साहब, हमारे मुल्क का एक इतना बड़ा असासा, हमारी लिविंग लेजेंड। आज की वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है और वो एक गिला है आप सबसे जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं कि हमारे लेजेंड्स जब हमारे साथ होते हैं, जब वो प्रेजेंट होते हैं इस दुनिया में, तो हम उस वक्त उनको वो क्रेडिट, वो ट्रिब्यूट, वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड क्यों नहीं देते। गवर्नमेंट से मुझे इसलिए कोई गिला नहीं है क्योंकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी आपको नवाजा गया, प्यार से, तमगा प्यार से भी नवाजा गया। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको पूरी दुनिया ने माना, दुनिया के हर कोने से अवार्ड्स दिए गए, क्या उनसे बात करना, उनसे गुफ्तगू करना, उनको जानना और उनसे नसीहत लेना और अपनी इस मीडिया इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना हम सबका फर्ज नहीं बनता। तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे मॉर्निंग एट होम मेरा शो है, उस शो पे हमने मैम को बुलाया और इतना खूबसूरत पाया, इतना खूबसूरत पाया कि उनकी आवाज़ क्या होगी जितनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी है। अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी जिंदगी अता करे और इनको हमारे सर पे सलामत रखे। तो आइए मिलते हैं बहुत ही प्यारे से सुरैया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राहत बानो मुतानिकर और मेरे साथ मेरी प्यारी अम्मा सुरैया मुतानिकर, अम्मी जी जिन्हें हम कहते हैं, और शी इज़ एन एक्सलेंट मदर। ये सिर्फ कैमरे पे मैं नहीं कह रही, हकीकतन
तो उन्होंने हमें पाला पोसा, हमें परवरिश अच्छी की, हमें अच्छी स्कूलिंग दी। और सबसे बड़ा जो इनका वो है क्रेडिट ये कि इन्होंने हमें ये सिखाया कि अल्लाह ताला पे इनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि अल्लाह की मदद से सारे काम आसान हो जाते हैं। हमारी जॉब, हमारी हर चीज़ में इन्होंने हमारे साथ हमेशा ताउन किया, मोहब्बत की, प्यार की, अच्छा रास्ता दिखाया। और माशाल्लाह मैं गाना सीखने की बड़ी कोशिश करती हूँ इनसे, तो अब ये मुझे गाना भी कुछ कुछ बता रही है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये मेरी हमेशा से आइडियल है क्योंकि मैंने माँ के पेट से गाना अच्छा सुना है और मुझे अच्छा गाना इन्हीं का ही मजा देता है। जब भी मैं कोई आर्टिस्ट की, मेरी फेवरेट आर्टिस्ट भी है और ज़ाहिर एज अ मदर भी बहुत फेवरेट है, डांट डबर भी बहुत पड़ती है, उसको भी इन्जॉय करते हैं। और बाकी ये कि माशाल्लाह मेरा अम्मी का कमरा भी सेम है, वी शेयर द सेम रूम, वी गो टुगेदर एवरीवेयर, बड़ा मज़ा आता है इनकी कंपनी में। और कुछ डिसिप्लिनरी चीज़ें भी हैं वो भी मैं डेली बेसिस पे लाती हूं। हम जब बात करते हैं अपने कौमी असासों की तो हमारा अक्सर इशारा उन हथियारों की तरफ होता है जिससे हम थोड़े से वक्त में बहुत से लोगों को मार सकते हैं। हमारे असल कौमी असासे वो फनकार हैं जिनके एक गीत के एक सुर एक मिसरे से हम इंसानियत के जख्म पे फहार मरहम रख सकते हैं, जिनमें से एक सुरैया मुल्तानिकर है। ऐ काश हमें अल्लाह ताला वो नजर दे के हम पहचान सकें कि हमारे असल असासे कौन हैं और फिर उन असासों की कदर करने की तौफीक और हिम्मत दे। अल्लाह करेगा कि आने वाले बरसों में ऐसा जरूर होगा इंशाल्लाह।